ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि आपके मन में हर रोग को ठीक करने की ताकत है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी ताकत को हम लिए बैठे हैं। आपको याद होगा 2002 में कच्छ-भुज में भूकंप आया था, राइट? याद है? जो बड़े बेटे उनको याद होगा, जो बच्चे शायद उनको नहीं पता होगा। भूकंप भारत में अब तक ऐसा नहीं आया, बड़ा भयंकर भूकंप, लाखों लोग मर गए थे, गांव के गांव, कस्बे के कस्बे तहस नहस हो गए थे। हमारा माउंट आबू भी हिल गया था पूरा। हम लोग अपने पैरों पर इतनी दूर खड़े होकर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे, जबकि माउंट आबू बहुत दूर है कच्छ-भुज से, अंजार से। अब देखिए वहां पे, एक मैं आपको रियल किस्सा सुनाती हूँ और आपको पता चलेगा कि मेरे पास ताकत कितनी है, आपके पास ताकत कितनी है, जो आपके मन में है, शरीर में नहीं। कहाँ है? मन के अंदर। उसे जगाना है, उससे मिलना है। आज मुझे मेरी शक्ति से मिलना है, उससे आय अलो करनी है। एक अपाहिज व्यक्ति जो टोटल ही पैरालाइज्ड है, 4 साल से बेड पर, सारा काम बेड पर होता है उसका। ये समझ लीजिए कि गले से ऊपर का हिस्सा एक्टिवेट है, गले से नीचे का हिस्सा डेड है सारा। 4 साल से मेडिकल साइंस ने उसके मन में भर दिया, अब जब तक जिएगा ऐसा ही रहेगा, कोई इलाज नहीं इसका। और वो व्यक्ति मान चुका, मुझे ऐसा ही जिंदगी भर रहना है। भूकंप आने के 3 दिन पहले उसे तेज बुखार हुआ, 106-107, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, बुखार आउट ऑफ कंट्रोल था तो आईसीयू में रखा। अब 26 जनवरी का दिन सुबह सुबह की बात, आईसीयू में कैसे पेशेंट होते हैं, अगर आप मिलने जाओ ना उनसे और वो बैठने की कोशिश करे तो बैठा नहीं जाएगा, दोनों पीठ के पीछे सहारा देंगे तब बैठेंगे, क्योंकि शरीर से कम और मन से ज्यादा बीमार है। ऐसे ही होते हैं ना। जब 26 जनवरी के दिन भूकंप आया तो आईसीयू के पेशेंट अपने घर वालों से पहले भाग गए थे निकल के वहां से, अपने कदमों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उठाकर, बोतल भी उठाकर, बीपी की मशीन भी उठाकर, और भागे जा रहे थे, घर वाले पीछे वो आगे। ऐसे टाइम पर वो व्यक्ति भी वही था जो टोटली पैरालाइज्ड था, वो भी सब देख रहा था कि सब भाग रही हैं। भूकंप इतना तेज था कि ऐसे हिल रही थी बिल्डिंग, ऐसे कभी इधर कभी उधर, इधर के व्यक्ति उधर लुढ़कते थे, उधर के व्यक्ति इधर लुढ़कते थे, किसी को किसी की नहीं पड़ी थी। इवन जो कैदी पुलिस के हाथ में थे तो पुलिस भी कैदियों को छोड़ के भाग गई थी, तुम्हारा कुछ भी हो हमें अपनी जान बचानी है पहले। अब वो पैरालाइज्ड व्यक्ति भी देख रहा था कि बिल्डिंग झूल रही है, धरती से भयंकर साउंड आ रहा है, डरावना भगदड़ मच रही है। ना डॉक्टर को पड़ी, ना नर्स को, ना कंपाउंडर को, ना घर वालों को, सब भाग रही है एक दूसरे को धक्का देकर, सब अपनी जान बचाने में लगे हुए। अब वो पैरालाइज्ड व्यक्ति जो चल भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, बेड पर पड़ा है, उसने फिर ऊपर को देखा, भूकंप के झटके और तीव्र हुए और अब ऐसा लगने लगा कि किसी भी क्षण ये छत मेरे ऊपर गिर सकती है, किसी भी क्षण अब ये गिरी की गिरी। अब फिर देखिए उसने क्या किया, जो कल्पनाओं से बाहर की बात थी, क्या किया, वो धीरे धीरे बैठा। पहले उसने अपना राइट पांव नीचे किया, फिर लेफ्ट किया, और फिर ऐसा भागा उठ के 1 किलोमीटर तक कि उसने अच्छों को पीछे छोड़ दिया और वो सबसे आगे खड़ा था। अब बताइए ये जो उठकर भागने की ताकत उस पैरालाइज्ड व्यक्ति में आई, ये बाहर से आई या अंदर से बाहर आई? तो ये ताकत आपके पास भी है, ये ताकत मेरे पास भी है। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने देना। कहा भी गया, मन चंगा तो कटौती में भी
गंगा, अपने मन को बिल्कुल चंगा रखना, मनोबल मत गिरने देना। हमारे मन में बहुत बड़ा खजाना, अलौकिक शक्तियां, असीम शक्तियां, हर लाइलाज बीमारी को ठीक करने की ताकत है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, किसी ने आपको बोल दिया, किसी भी डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, आप स्वीकार मत करो, आप स्वीकार मत करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंख में आंख डालकर बोल दो, मैं तुम्हें जीकर दिखाऊंगी। महाकाल को भी भागना पड़ेगा वहां से। ये ताकत आपके पास है, ये ताकत है आपके पास, क्योंकि हम साधारण नहीं, खुद महाकाल की संतान है। लेकिन महाकाल भी तो शक्तिशाली आत्माओं के साथ खड़ा है ना, कमजोर मन के साथ नहीं।